बिग बॉस 16 को देखने से लोगों ने कर दिया इनकार। फिलहाल लोग कर रहे हैं बिग बॉस 16 को बॉयकॉट। क्या बंद हो जाएगा बिग बॉस 16? वेल दोस्तों, आपको बता दें कि जब से खबरें सामने आई हैं कि अंकित गुप्ता का घर से एविक्शन हो चुका है, उसके बाद सोशल मीडिया पर नो अंकित नो बिग बॉस जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। इसी के साथ कई यूजर्स ट्वीट भी कर रहे हैं और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर अंकित गुप्ता बिग बॉस में नहीं तो हम बिग बॉस देखने वाले नहीं। इसी के साथ लोगों ने बिग बॉस 16 का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया और फिलहाल अंकित गुप्ता के फैंस बिग बॉस से काफी निराश भी हैं। कई लोग बिग बॉस को एक बार फिर से बायस्ड बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना बायस्ड शो लेकर यहां से चले जाओ। वेल फिलहाल इस वीकेंड के वार सलमान खान इस बात पर क्या राय रखते हैं अपनी और क्या बातें करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि फिलहाल ये अपडेट ऑफिशियल तो नहीं हुई है कि क्या सच में अंकित गुप्ता का एविक्शन हुआ है या नहीं। लेकिन जैसे ही ये बातें सोशल मीडिया तक पहुंची तो लोगों ने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया BB16 को, जिसके बाद फिलहाल हम आपको कुछ यूजर्स के ट्वीट बताते हैं कि आखिर उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है अंकित गुप्ता के एविक्शन को लेकर। बिग बॉस 16 से अंकित गुप्ता के एविक्शन की खबर पर एक यूजर ने ट्वीट किया, दिस इज सो अनफेयर गाइज, लेट्स स्टॉप वॉचिंग बिग बॉस, नो अंकित नो बिग बॉस। इसी के साथ एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा, व्हाट द हेल, नो नो नो, यू कांट डू दिस, दिस इज सो अनफेयर डिसीजन, बिग बॉस 16 को बॉयकॉट करो, नो अंकित नो बिग बॉस। इसी के साथ एक और यूजर ने लिखा, नो अंकित नो बिग बॉस इज ट्रेंडिंग विद मोर देन 150K ट्वीट्स एंड इट्स अ अनप्लान्ड ट्रेंड जस्ट ऑन रूमर्स। वेल दोस्तों, इसी के साथ एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा, You did nothing when Manli was discussing his nomination and today you evicted him unfairly. No Ankit, no Big Boss. इसी के साथ एक और यूजर ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, Go to hell with your biased season, Big Boss. No Ankit, no Big Boss. वेल फिलहाल इस तरह के ट्वीट्स भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि लोगों ने अंकित गुप्ता की वजह से इस हैशटैग को ट्रेंड कराना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट कुछ लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि 3 मिलियन से पहले नहीं रुकना है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक भी इस हैशटैग पर कई सारे ट्वीट्स हो चुके हैं और हर किसी ने अपना गुस्सा बिग बॉस के प्रति जाहिर किया है और लिखा है कि अपने बायस डिसीजन हमें मत सुनाइए, अगर आप सच में एक रियलिटी शो बनाना चाहते हैं तो उसको रियल रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस बीच अंकित गुप्ता का गेम जहां फैंस को काफी पसंद आने लगा था, अब उसके साथ उनका एविक्शन लोगों को काफी दुखी कर रहा है, क्योंकि अंकित गुप्ता को लोग काफी पसंद करते हैं, स्पेशली प्रियंका और अंकित की जोड़ी को। प्रियंकित की जोड़ी को टूटते हुए देखना उनके फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है और फिलहाल तो ऐसा असल में हो गया, तो बस फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक यूजर ने तो अपने ट्वीट में ये तक लिख दिया कि ये लोग कौन से सस्ते नशे करके ट्रेंड कर रहे हैं, नो अंकित नो बिग बॉस, क्योंकि उनको शायद लगता है कि अंकित गुप्ता का एविक्शन नहीं हुआ है। फिर इसी के साथ एक और यूजर ने लिखा कि आज से बिग बॉस देखना बंद, जनता की कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसका मन किया खुद से एविक्ट कर दो, जिसको मन किया वापस ले आओ, नो अंकित नो बिग बॉस। वेल दोस्तों, फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि अभी इस बात पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या अपडेट सामने नहीं आया कि क्या सच में अंकित गुप्ता का एविक्शन घर से हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा।